दोस्तों, मैं संजय गौड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल वीकेंड ट्रीज में। आज मैं एक और रेसिपी के साथ आया हूं आपके सामने। तो आज की जो रेसिपी है, गवार की सब्जी बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई मसाले ऐड ऑन नहीं करेंगे। जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतना ही ऐड करना है और सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये स्वादिष्ट भी बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आगे की रेसिपी। पहले जो है एक चम्मच तेल ऐड करेंगे। आंच को धीमा करके एक आधा चम्मच इतना जीरा ऐड करेंगे। फिर मैंने जो दो प्याज काटा था और मिर्ची, वो भी ऐड करते हैं। प्याज जो है थोड़ा पक चुका है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। ये मैंने एक टमाटर काटा है, इसे भी मिक्स कर देते हैं। जो है गवार ऐड करेंगे और साथ में आलू कुछ काटा था, वो आलू भी ऐड कर देता हूँ। तो ये अब इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब जो इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 से 20 मिनट तक का ये सब्जी बनने के लिए टाइम लगेगा और इसको ढक के पकाएंगे धीमी आंच में। तो अब जो है हर 5 मिनट में आपको आके चेक करना है और उसे पकाना है। तो ढक देते हैं। अब जो है एक आधा चम्मच ये धनिया पाउडर है, इसे डाल देते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर भी एक आधा चम्मच, छोटा चम्मच से, ये इतना सा डाल के मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके फिर से ढक देंगे और 5-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए। अब जो है लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर नमक डालने के बाद और 10 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो गवार है वो कड़क ना रहे, एकदम खाने में स्वाद आए और नरम हो जाए। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब देख सकते हैं मेरा आज का जो रेसिपी है, गवार का रेसिपी, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सिंपल मसालों के साथ ही, मतलब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बाकी प्याज मिर्च, ये सब इसी सब के साथ बनाए। तो आज का ये गवार का सिंपल रेसिपी आप भी अपने घरों में बनाएं और हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी स्वाद में कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।